दोनों मिले इस तरह हो एक मैं और एक तू। आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ। इधर आया था बैंक में, बैंक का इतना मतलब सर्विस खराब है कि मत बोलो। चार महीने से मैं घूर रहा हूँ, चार महीने से। बाइक देख रहे ना, ये बाइक भी ये हार्ली डेविडसन कलकत्ता पुलिस वाला यूज कर रहे थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल ड्रीमर फादर। तो दोस्तों, आज सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप सबको, और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खुशियाँ बिखरते हुए आज का दिन काटेंगे। तो दोस्त देखिए, आज जो है हम लोग का घर में क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं आप? मेथी का पराठा। मेथी का पराठा है, इसमें क्या मेथी साग है? ये बन गया है, बन रहा है, ये हो गया ना, ये रेडी हो गया है। तो आज सुबह का नाश्ता में मेथी का पराठा खाएंगे हम लोग। क्या बेटा क्या लेके गया स्कूल में? वो भी मेथी पराठा लेके गया। और बेटिया वो सब मेथी का पराठा लेके गया है। वाह, हेल्दी वाला। अच्छा अच्छा, तो आज जो है मेथी का पराठा सब खाए, देखते हैं। हम कभी खाए नहीं थे, अभी आज पहली बार के मेथी पराठा मुझे भी खाई थी। प्रत्येक वर्ष ठंडा बनाऊं जी? कभी मेथी पराठा मोर मोर में पता नहीं हम खाया कि नहीं खाया होगा पता नहीं। तो ऐसा कुछ आज का सुबह का दिन शुरू हो गया है। और वो लोग जो है कि सुबह स्कूल आ गए, स्कूल मतलब हम छोड़ के आ गया, सुबह स्कूल लेकर स्कूल छोड़ दिया। और अंकिता तो अपने से चला नहीं जा रही है, ठीक है। तो अभी हम दोनों ही है, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। ये हाँ, मेथी के साग और चना का सब्जी, ये काबली 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 छोला बोलते हैं ना इसको, है काबली छोला का सब्जी और मेथी का साग। भाई जो भी बोलिए, हमारे जो धर्म पत्नी है ना, खाना बहुत अच्छा बनाता है। स्वादिष्ट खाना, टेस्टी खाना, मस्त खाना, इसमें मेरा दिल जीत लिया, मेरा अर्धांगिन। देखो खड़ा होकर देख रहे उधर से। नहीं नहीं, उषा जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं सही में। और ऐसे भी औरत लोग को खाना बनाना अच्छा आना ही चाहिए, है कि नहीं? शादी करके कोई फायदा नहीं। अगर औरत को लोग को अगर खाना बनाना नहीं आएगा ठीक से, और वो पति को बच्चा लोग को अगर अच्छा से खाना अगर नहीं दे पाएगा, टेस्टी खाना नहीं खिला पाएगा, तो फिर लड़की ही नहीं होना चाहिए, मतलब औरत ही नहीं होना चाहिए। काम धाम करे सब ठीक है, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बनाना चाहिए औरत को, है ना? उसमें परिवार में खुशी एकदम पूरा रहता है। मस्त नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब जाएंगे थोड़ा सा ना बैंक में, क्योंकि बैंक का जो ATM कार्ड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया है, जिसका वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है। और अंकिता का स्कूल का फीस जो है वो बंद हो गया है, तो इसलिए बैंक का थोड़ा सा काम कर लेंगे जाके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ATM कार्ड भी एक्सपायर हो गया है, उसको भी रेडी करना है। देखो चाबी भूल के आ गया ऊपर में, जा फिर से जाना पड़ेगा ऊपर। ओह गड़बड़ा गया। अच्छी माँ अच्छी चाबीटा नहीं गिरे ला, चाबीटा छाड़ दिली ऊपर। अरे यार चल फिर ऊपर जाना पड़ेगा यार, गड़बड़ा गया, घर का चाबी छोड़ दिया। दिमाग कुछ काम नहीं दे रहा, आज स्वेटर भी नहीं पहना, ठंडा भी लग गया। स्वेटर पहन लेने, चाबी ले लेने, चाबी है और इसको छोड़ के चला गया। हम बोलो परेशान ही परेशान, आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ। इधर आया था बैंक में,
बैंक का इतना मतलब सर्विस ख़राब है कि मत बोलो। चार महीने से मैं घूर रहा हूँ, चार महीने से, और चार महीने से मेरा काम ही नहीं हो रहा है। मतलब बैंक का फ्रंट का जो होता है ना डिटेल्स, उसको प्रिंट करने के लिए लोग चार महीना ले रहा है। आज अल्टीमेटली खाता को जमा करना पड़ा, अभी दो दिन के बाद बुलाए, उसके बाद जाकर खाता का काम होगा। तो ऐसा ही कुछ है, सारा दिन सुबह से परेशान हूँ बैंक का काम के लिए। चलो अभी जो टाइम हो गया है, शिवांश को लेने जाना है स्कूल। मतलब काम करेंगे ना, ये सब काम करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिमाग पूरा खराब। चल बाय। आज क्या पढ़ाई हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। गुड हैबिट्स हुआ। और बस खेलने के लिए ना, बस। और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुआ स्कूल में ना? वही हुआ बस, सुबह सुबह उठ के क्या करना है नहीं करना है, बस यही पढ़ाई हुआ है। ठीक है चल। बहन को क्या किए? नहीं क्या किए, बहन को इंजेक्शन दे के क्या बोले कि मैं आज तुमको ऐसे भूकेंगे खाया ना उसमें। क्या जी? हाथ कट गया, हाथ कट गया, इंजेक्शन लेना पड़ा टिटनस। आज का दिन पूरा खराब जा रहा है मेरा। इधर आके हमको देखते ही जा रहा है छुपने के लिए, छुप नहीं पाया, पकड़ लिया तुमको आज। बाबू आज फोपट हो गया। हम जैसे घर में रोकते हैं ना, वैसे वो दौड़ के भागता है चला जाता है छुपने के लिए। आज तो पकड़ लिया हम। पापा डेली प्रैंक कर लेते हैं हमसे। अच्छा पिछले वीडियो में हम बोला था ना कि जे हम जो है कि कलकत्ता पुलिस का जो क्या बोलते उसको मैराथन रेस में भाग ले रहा है, तो आज जा रहे वहाँ पर बुलाया है। वो मैराथन रेस में क्या वो किट वगैरह देगा, जर्सी वगैरह देगा कुछ, ठीक है। तो आज जाएंगे किट लेके आएंगे मैराथन रेस का। मैराथन रेस वाला वीडियो तो मस्त होगा ही होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्या पापा तो ऐसे ही रेस में पीछे ही रहते हैं, पीछे करते करते आगे भी पीछे रहते हैं। तो क्या करेंगे, नहीं दौड़ पीछे रहेंगे ना, लेकिन स्पीड दौड़ना पड़ेगा। पहले क्रिकेट खेलो, उसके बाद पैर का जोर आएगा, हाथ का भी जोर आएगा, पैर का। ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं। चल 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 भाई चल। इधर का 5 किलोमीटर वाला को मिलेगा। भाई ये मैं आके पहुंच चुका हूँ नेताजी इंडोर स्टेडियम में। ये देखो सामने नेताजी इंडोर स्टेडियम, और स्टेडियम के अंदर ही मैं बैठा हूँ अभी। यहाँ पर बहुत सारा देखो, बहुत सारा जो है आदमी लोग, बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग आया हुआ है, उम्रदार आदमी भी आया हुआ है। ये सब जो है कि अपना पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेट है, ठीक है। तो मैं भी अपना
किट ले लिया, ये वाला किट, और इसको जो पहन के हमको दौड़ना है 22 तारीख पे, 21 तारीख को, तो मज़ा आने वाला है बहुत, है ना। तो यही है, यही मतलब था इसमें। क्या दिया है, तो टी शर्ट वगैरह दिया है, अपना जो है नंबर दिया हुआ है, तो ये है, ठीक है। तो अभी चलेंगे लैब में, तो ले लिया है अपना किट जो है। कितना आदमी है, बहुत आदमी, और बहुत सारे आदमी चला भी गया है, 3 दिन से लोग जो है यहाँ पर दे रहा है किट्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये गाड़ी को जो रखा हुआ, ये कलकत्ता का पहला जो कमिश्नर है वो ये वाला गाड़ी यूज कर रहे थे। सामने देखिए, अंग्रेजी जमाने वाला गाड़ी है ये, ठीक है। और वो पहले जो वो ये भी जो बाइक देख रहे हैं ना, ये बाइक भी पहले ज़माना का, ये कब का है, हार्ली डेविडसन। ये हार्ली डेविडसन कलकत्ता पुलिस वाला यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बाप रे बाप, अभी तो नहीं यूज़ कर रहे ऐसा गाड़ी कोई, लेकिन पहले यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर जो रखा हुआ है ये वाला बाइक, और वो वाला कार देखो, कार, ये कार जो है पहला कमिश्नर यूज़ कर रहे थे, देख रहे हैं ना, मस्त। तो भाई हो गया यहाँ पर अपना जो है, ले लिया किट वगैरह, और फिर मिलते हैं अपना जो है कि 21 तारीख को, ठीक है। चलिए, आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नया ब्लॉग में, फेस ब्लॉग में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो टाटा।